दोस्तों, दुनिया में हैरान करने वाली बहुत सारी चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा होता है। क्या आपको पता है कि बादलों का वेट कितना होता है? क्या आपको पता है कि आपका पेट क्या क्या पचा सकता है? क्या आप जानते हैं कि डायमंड्स की बारिश कहाँ होती है? अगर नहीं तो आइए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए ऐसे फैक्ट्स जो आज तक आपने किसी भी वीडियोस में ना देखे होंगे ना कहीं सुने होंगे। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार जानने के लिए ऐसे फैक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे ही चैनल पर जान रहे हैं। जी हाँ, ऐसे फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपकी कई धारणाओं को बदल भी देंगे। लेकिन इन फैक्ट्स को हम विस्तार से आप तक पहुंचाएं उसके पहले हम कहेंगे कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम ऐसे मजेदार फैक्ट्स वीडियो लाएं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, अ लेजर कैन गेट ट्रैप्ड इन वाटर। आपको पता है कि लेजर जिसकी चाल बहुत तेज होती है और वो बहुत तेजी से कहीं से गुजरता है उसे पानी के अंदर फंसाया जा सकता है। जी हाँ, पानी के अंदर वो बिल्कुल फंस सकता है और ये तब होता है जब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी हाँ, इसे एक प्रयोग के जरिए पीबीएस लर्निंग मीडिया ने एक वीडियो जारी कर समझाया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पानी के टैंक के एक तरफ लेजर बीम लगाया जाता है और लेजर बीम को पानी के अंदर से गुजारा जाता है। पानी का प्रवाह जितनी तेज होता है लेजर बीम उतनी ही कम स्पीड से गुजरता है और ये वहीं फंसा का फंसा रह जाता है। और जैसे जैसे पानी का प्रवाह कम होता है या पानी स्थिर होता है बीम से निकलता लेजर धीरे धीरे स्लो होता जाता है और गायब हो जाता है। नंबर टू, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आपका पहला ही जवाब होगा रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हरियाली होती है और वहीं से ऑक्सीजन आने की संभावना आपको लगती है कि सबसे ज्यादा है। लेकिन हम यहाँ आपको थोड़े चौंकाने वाले हैं और सच्चाई बताने वाले हैं। नेशनल ओशियन सर्विस के अनुसार ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा सप्लाई समुद्री जीव करते हैं। जी हाँ, समुद्र के अंदर से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारे पास पहुँचता है। आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन का लगभग 90% प्लैंकटन, समुद्री शैवाल और अन्य प्रकार के समुद्री जीव ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो अब कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है तो समुद्र जवाब दीजिएगा, और समुद्र को बचाने के लिए हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। और हाँ, समुद्र एक रहस्य से भरी हुई दुनिया है, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम आगे बताएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको अगला फैक्ट बताने वाले हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि कौन सा पानी जल्दी फ्रीजर में ठंडा होगा, ठंडा पानी या गर्म पानी, आप एज यूजुअल जवाब देंगे ठंडा पानी, क्योंकि वो पहले से ही ठंडा है। लेकिन ये साइंस की दुनिया है दोस्तों, यहाँ कुछ भी ऐसे ही मत कहिए। जहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जवाब बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि साइंस की माने तो गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा ज्यादा जल्दी जमेगा। जी हाँ, है ना हैरान कर देने वाली बात। मैं आपको बताऊं कि इसे मैपेबा प्रभाव कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के कणों के वेग में एक विशिष्ट स्वभाव होता है और जब पानी गर्म होता है तो उसे जमने में आसानी होती है। ये दावा यूनिवर्सिटी डेड कार्लोस 3D मैड्रिड के शोध में किया गया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो यह खोज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठंडा करने जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी लागू की जा सकेगी। दोस्तों, हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारे पेड़ कम हो रहे हैं और हमें पेड़ों को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा चीज क्या है तो आपके दिमाग में जवाब आएगा तारे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गड़बड़ है। नासा के विशेषज्ञों का मानना है कि आकाशगंगा में 100 अरब से 400 अरब सितारे कहीं भी हो सकते हैं।
हालांकि नेचर जर्नल में प्रकाशित 2015 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि दुनिया भर में पेड़ों की संख्या लगभग 3.04 ट्रिलियन है, यानी पेड़ तारों से भी अधिक मात्रा में हमारी धरती पर हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बचाने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि हमारे शरीर में बैक्टीरियाज की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तो बैक्टीरिया ही है। लेकिन यहाँ भी भाई साहब आप गलत हैं। एक अनुमान के हिसाब से मानव शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया है और 30 ट्रिलियन मानव कोशिकाएं हैं। लगभग इनका अनुपात 1:1.3 का है, जबकि पहले शोधकर्ता ये मानते थे कि इनकी तुलना 10:1 की है। अगर मैं आपसे कहूं कि पुरुष महिलाओं के अपेक्षा ज्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये आप बात कर रहे हैं पार्शियलिटी की। लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल आई इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि पुरुषों के अंदर कलर ब्लाइंड की समस्या ज्यादा होती है एक महिला की अपेक्षा, क्योंकि नेशनल आई इंस्टीट्यूट के शोध में यह दावा किया गया है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि महिलाओं के पास केवल एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों के पास एक्स और वाई, और केवल एक्स एक्स अगर मिले तो पुरुष का जन्म होता है, और एक्स एक्स मिलने से ये कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसलिए शोध में ये कहा गया है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं, और ये बात आप निजी जिंदगी में भी देख सकते हैं। महिलाएं ज्यादा कलर की परख रखती हैं आपकी अपेक्षा, एक बार आप ये प्रयोग करके देखे तो। अब आगे जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फैक्ट आपने कहीं नहीं सुना होगा, इसे आप केवल हमारे ही चैनल पर अभी देख और सुन रहे हैं। जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम बताते हैं एकदम हट के फैक्ट्स। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, या मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है कि बादल भारी हैं या हल्के? जी हाँ, बचपन में हम सब ने ये सपना देखा है कि बादल पर हम भी तैरें और बादल पर जाके हम भी थोड़े मजे करें, और हम सब ये यही सोचते हैं कि बादल इतने हल्के हैं तभी आसमान में तैरते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं कि एक औसत बादल का वजन 10,00,000 पाउंड तक हो सकता है, यह दुनिया के सबसे बड़े जेट जितना भारी होता है। यह इतना भारी होता है जब एक कार्गो पूरे यात्रियों से भरा हो, तो चौंक गए ना आप। आपने सोचा था जिस बादल को इतना हल्का कि वो आसमान में उड़े, वो इतना भारी होता है जो आसमान में ही उड़ता है, यानी कि जेट विमान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं कहूं कि इंसान सांप से ज्यादा जहरीला होता है, तो इसमें आपको ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सुना तो जरूर होगा। लेकिन जैसे ही आप साइंस की तरफ जाते हैं तो यह बात गलत हो जाती है, लेकिन ये बात सच भी हो सकती है। आप मानो ना मानो, लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो वो विष को बना सकता है, यानी विष को प्रोड्यूस कर सकता है। जी हाँ, हमारे बॉडी में वो सारी चीजें मौजूद हैं, वो सारे ऑर्गन मौजूद हैं जिससे हम सांप से भी खतरनाक वेनम बना सकते हैं। जी हाँ, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज जनरल में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो इंसान के अंदर वो सारे अंग मौजूद हैं जिससे एक जहर का निर्माण हो, और वो जहर इतना डेडली होगा जिससे कई लोगों की मौत हो जाए। यानी आप एक सांप से ज्यादा जहरीले हो सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है हमारे क्रमिक विकास पे, कब हमें जहर की जरूरत पड़ेगी और इंसान जहर उगलना शुरू करेगा। लेकिन अगर हम सामाजिक जीवन को देखें तो इंसान आज भी जहर उगलता है। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक रेजर ब्लेड को निगल लें? आप यही सोचते हैं कि हमारे पेट की अतड़ियां या तो कट जाएंगी या तो फट जाएंगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कि हमारा शरीर कई क्षमताओं से भरा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि आप आसानी से एक रेजर ब्लेड को अपने अंदर पचा सकते हैं। जी हाँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ साइंस फैक्ट के जरिए। एसिड को 0 से 14 तक के पैमाने पर रैंक किया जाता है। पीएच स्तर जितना कम होगा एसिड उतना ही मजबूत होगा, और एक मानव पेट में एसिड आमतौर पर 1.0 से 2.0 तक पीएच मान का होता है, जिसका अर्थ है कि इसका पीएच मान अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। और अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट को माने तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि आप एक धार वाले ब्लड को आसानी से अपने पेट के एसिड से
पचा सकते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी फैक्ट के पास, और ये फैक्ट है कि कहां होती है हीरो की बारिश। जी हां, कहां बरसते हैं आसमान से डायमंड्स। आप ये सुन के शॉक में होंगे और ये आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो बिल्कुल फेक होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल फेक नहीं है। लेकिन कहां ये होता है ये जानने के बाद आप जरा चौंकेंगे जरूर। तो मैं आपको बता दूं कि ये धरती पर तो संभव नहीं है। अगर धरती पर डायमंड्स की बारिश होती तो आपको आज तक पता होता, लेकिन ये संभव है नेपच्यून, यूरेनस और शनि के वातावरण में। यहाँ इतना अधिक प्रेशर होता है कि वे कार्बन परमाणुओं को क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं और उन्हें हीरे में बदल सकते हैं। अगर अमेरिकी वैज्ञानिक रिपोर्ट की माने तो नेपच्यून और यूरेनस पर ऐसा होता है। जी हाँ, आपको मैं बताऊं कि लगभग 2.2 मिलियन पाउंड हीरे की बारिश यहाँ हर साल होती है। अब आप कोई स्पेसक्राफ्ट मत बनाने लगना कि आप नेपच्यून और शनि पर जाएं, क्योंकि वहां भले ही आपको हीरे मिल जाएं, लेकिन आप अपने प्राण को तो जरूर ही गवा देंगे। दोस्तों ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।